एक गीत लिखा हमने, प्यारे बच्चों आज तुम्हें हम हित की बात बताते हैं, समझोगे तो सुख पाओगे इसीलिए समझाते हैं। उठकर प्रातः काल नाम ईश्वर का तुम सब लिया करो, ओ माता पिता को कर प्रणाम, फिर नित्य क्रिया को किया करो। सुबह उठकर भगवान का नाम लो। भगवान का क्या नाम है बच्चों, कोई जानता है? ईश्वर का क्या नाम है? राम। और बताओ, कोई जानता है? ठीक, तुमने रोटी खाई, जब डकार आती है तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है, बस समझ लो। भगवान का नाम ओम है, जो वेदों में है, वेदों में है, ये गौड़ नाम है उसके। विष्णु, शंकर, भोले बाबा, राम, कृष्ण, ये गौड़ नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? एक लड़का खड़ा होकर अपना नाम बताए, हो खड़े है ऋषभ यादव। अगर तुम कंडक्टर हो जाओ तो लोग तुमसे क्या कहेंगे? दरोगा हो जाओ, लोग क्या कहेंगे? दरोगा जी। लेकिन तुम्हारा सच्चा नाम क्या है? ऋषभ यादव, बैठ जाओ। इसी तरह भगवान का सच्चा नाम है ओम। ब्रह्मा क्यों नाम पड़ा उसका? वो संसार का सृजन करते हैं। विष्णु क्यों नाम पड़ा उनका? संसार का पालन करते हैं। शंकर क्यों नाम पड़ा उसका? संहार करते हैं। सच्चा नाम है ओम। तो सुबह उठ करके अगर गायत्री बैठे तो गायत्री मंत्र सीखना चाहिए। और मैं अध्यापक गणों से भी कहूंगा कि बच्चों को गायत्री मंत्र जरूर दें, और जिन्हें नहीं मालूम तो आज से सुबह कहेंगे, हे ओम हमें बुद्धि दो, हे ओम हमें बुद्धि दो। बोलो, हे ओम हमें बुद्धि दो, हे ओम हमें शांति दो। ये भजन है। उठकर प्रातः काल नाम ईश्वर का तुम सब लिया करो, माता पिता को कर प्रणाम, फिर नित्य क्रिया को किया करो। माता पिता के सुबह पैर छूते हो? झूठ और मत बोलना। कौन कौन पैर छूता है सुबह? हाथ उठाए, शाबाश, नीचे करो हाथ। अच्छा जो बताओ, माता पिता के पैर छूना धर्म है के पाप है? धर्म है। प्रातः हो तो उठे रघुनाथा, मात पिता गुरुनायो माता। भगवान राम भी माता पिता को प्रणाम करते थे। उठकर प्रातः काल नाम ईश्वर का तुम सब लिया करो, मात पिता को कर प्रणाम, फिर नित्य क्रिया को किया करो। खान पान को जो कुछ पाओ, हंसकर खाया पिया करो, हो कर मन मंगन, फिर स्कूल को तुम चल दिया करो। हित की बात नहीं जो माने, सो बालक दुख पाते हैं, और समझोगे तो सुख पाओगे इसीलिए समझाते हैं। अब छुट्टी हुई, छुट्टी होते ही तुम अपने घर की सीधी गैल गो, भले बालकों के संग खेलो, मती बुरों के संग रहो। जो गंदी गाली देते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसे गंदे बच्चों के साथ मत रहना। बुरी बात मत सुनो किसी की, और किसी से बुरी कहो, बात मेरी जो ध्यान में रखो, फिर न कभी तुम दुख सहो। विद्यावान सुजान सर्वदा सुख समुद्र में नहाते हैं, न तो बुरी बात किसी से कहो, न किसी की बुरी सुनो। अब तुम सुंदर कैसे लगोगे? सुंदर कैसे लगोगे तुम? बहुत अच्छे कैसे लगोगे? तो मैं तुम्हें बता दूं, बड़े ध्यान से सुनना। वो बड़ी सुंदर बात आई है। क्या? मुख पवित्र नहीं हो पानों से, सिर नहीं जुल्फ रखाने से, सुंदर कान लगे न बालियां सोने की लटकाने से, सुर में से सोहे नाक पग नहीं फूल बूटा डाने से, वो हाथ न अच्छे लगे कलाई पर घड़ियां चमकाने से,
यह सुंदर बनना चाहो तो ऐसे बनो, समझाते हैं। सर को सबके लिए झुकाओ, मुख से बोलो मधुर वचन, करते रहो सदा आंखों से सच्चे सुजनों के दर्शन, अच्छे लोगों के दर्शन करो। हाथों से तो दान, पगों से धर्म पंथ पर करो गबन, और सुंदर बात सुनो कानों से सुख पाओ, नित रहो मगन। प्यारा बच्चा बही, मेरी जो बात मेरी चित धारेगा, पढ़ने लिख में निस्वासक तन मन अपना भारेगा, बुरे बालकों की शोभत में जोर की ठोकर मानेगा मारेगा, ऐसे सुंदर बच्चे को क्यों नहीं आधार पुचकारेगा। भले मानव गोवत भैया भले ही बालक भाते हैं, और समझोगे तो सुख पाओगे, इसीलिए समझाते हैं। ये अंतिम बोल, अच्छा मैंने आपसे बताया था बच्चों कि मुख पवित्र नहीं हो पानों से, सर नहीं जुल्फ रखाने से, सुंदर कान लगे न बालियां सोने की लटकाने से, सुरमे से सोहाना आंख पग नहीं फूलबूट आराने से, वो हाथ ना अच्छे लगे कलाई पर घड़ियां चमकाने से, या सुंदर बनना चाहो तो ऐसे बनो, समझाते हैं। सर को सबके लिए झुकाओ, मुख से बोलो मधुर वचन, करते रहो सदा आंखों से सच्चे सुजनों के दर्शन, हाथों से जो दान, पगों से धर्म पथ पर करो गबन, सुंदर बात सुनो कानों से सुख पाओ, नित रहो मगन। प्यारा बच्चा बही मेरी जो बात मेरी चित धारेगा, पढ़ने लिखने में निस्वासर तन मन अपना बारेगा, बुरे बालकों की सोबत में जोर ठोकर मारेगा, ऐसे सुंदर बच्चे को क्यों नहीं आधार पुचकारेगा। भले मानवों को बत भैया भले ही बालक बातें हैं, इसलिए बच्चों मेरा आशीर्वाद है यहाँ के अध्यापक गणों को भी, प्रिंसिपल साहब मैनेजर साहब और आप सबको, कि भगवान आपकी विद्या दिन दूनी राज चौगुनी बढ़े और देश के लिए एक स्तंभ बन के आओ, ये मेरा आशीर्वाद है। और आप लोग यूं ही बैठे रहिए, मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर पढ़ने में ध्यान लगाना, स्कूल में आते आते अपने गुरुजनों को प्रणाम करना, तो सदा विद्या में परिपूर्ण होंगे आप, रोशन करेंगे अपने परिवार को, हमारे देश को भी महान बनाएंगे आप लोग। आप बड़ी शांति से बैठे रहिए और प्रसाद गाड़ी में से निकाल के बच्चों को दो, कितने प्यारे बच्चे हैं, अध्यापक गण भी कितने अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हो। वक्त होगा समय समय पर हम यहाँ आते रहेंगे,